दूसरी फूक कहीं तक नहीं, मैं फिर मारूंगा इस वाले का। अब मुझे अटैक डाल के दिखाना आपने, आया समझ में? एक दिन में दो बार पड़ जाता था, जिस दिन से यहाँ से गए हो एक बार भी नहीं पड़ा, और आज इसका तत्व पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, इसकी डॉक्टरों की दवाइयाँ बंद हो गई है ना। साइकाट्रिस्ट क्या समझाता था? अच्छा क्या नहीं सोच सकते आप? चलिए मुझे भगवान के बारे में बताइए, आपके घर में लड्डू गोपाल है, आपकी मम्मी शिव जी को बहुत मानती है, शिव जी की कोई स्तुति सुनाओ है, आपकी मम्मी आरती करती है, जय शिव ओंकार, हाँ सुना सुना, श्री गिरजापति दीन दयाला सदा करत भक्तन पति पाला है, ये पढ़ती थी, मतलब आप शिव की चालीसा पढ़ती थी, शिव चालीसा मम्मी आपकी रोज पढ़ती है, आप भी पढ़ती थी तब आपके याद थी, अब आपके याद है नहीं, क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, पढ़ाई कर रहे हैं आप टेक्नीशियन, तो आप इस तरह के ऑपरेशन करेंगे जिस तरह के मनु भैया बताते हैं, और आपके लोगों आप डॉक्टर आपको बता देता है, आपको कोई न्यूरोलॉजिस्ट की कोई बीमारी नहीं है, आपको बेटे निगेटिव थॉट्स रखती है, इसलिए उसको निगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना? आपकी रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आई है, लेकिन डॉक्टरों ने आपको आगे आगे भेजते रहे, कभी साइकाइट्रिस्ट, कभी कभी न्यूरोलॉजिस्ट, कभी साइकोलॉजिस्ट, मतलब सारा दिमाग का आपका वो बता दिया, उनसे ठीक नहीं हुआ आपका दर्द, ब्रेन डेड के भी बोल देते कि ब्रेन डेड हो सकता है, हां क्योंकि मैं बेहोश आती ना, मेरे को होश आते कहते अगर आधे घंटे से ज्यादा हुआ तो ब्रेन डेड हो जाएगा। हां कहो देखो, हां ब्रेन डेड कर देगा इसका, तेरे बस में है इसका ब्रेन डेड करना? सर पताल से भी खींच लाऊंगा तेरे सारे तत्व, घर तो नहीं ली, पता चल रहा है अपने आप को रोक नहीं पा रही, इसका डॉक्टर क्या करेगा बेटा बताना जरा, डॉक्टर ने बोल दिया ब्रेन डेड, बड़ा डॉक्टर साहब फिलहाल मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपका ब्रेन डेड हो सकता है, क्योंकि अब आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, सोचने की क्या, कि जो केस मेरे से ठीक नहीं हो रहा वो मनु भैया जी ने कैसे ठीक कर दिया, ना हथियार लिया, ना कोई सीधा कैंची ली, ना कुछ ऑपरेशन किया, और ऐसे ही कर दिया मंत्र चिकित्सा से, मंत्र चिकित्सा की जो विधि है वो दुनिया में सबसे अनोखी है, उसी विधि को हमारे ऋषिगण महात्मागण करते आए थे, और वही विधि जो है हमारे आयुर्वेद में भी लगी हुई आई थी, पहले जितने भी आयुर्वेद के कौन थे, आयुर्वेद के चिकित्सक थे वे सारे महात्मा ही ऋषि ही हुआ करते थे, जैसे च्यवन ऋषि है ना, सुश्रुत ऋषि, और जितने भी ऋषि थे उनके अलावा, और जैसे पाणिनि, जितने भी ऋषि ऐसे हुए हैं जो केवल इन विद्याओं में पारंगत थे वे ऋषि ही थे, और उनकी दोनों ही विद्याएं पारंगत होती थी, एक तो वे कोई भी औषधि भगवान के नाम से ही खोद के लेके आते थे, उन्हीं का नाम लेते थे, और हमेशा नक्षत्रों के हिसाब से जड़ी बूटियां ग्रहण करते थे, निकालते थे, लेकिन अब क्या हो गया है, अब हमारा आयुर्वेद तकरीबन खत्म हो गया, उसको ऐसा बना दिया गया जैसे एलोपैथिक चिकित्सा के डॉक्टर बनते हैं, ऐसे डॉक्टर बना दिए गए, उसके लिए एक वो रख दी गई, पढ़ाई रख दी गई, ये पढ़ाई पढ़ोगे तो आप डॉक्टर हैं, ये पढ़ाई नहीं पढ़ोगे तो आप डॉक्टर है नहीं, और वो जितने भी युवा वर्ग के लोग आए उनको भगवान से इतना सा रत्ती भर भी कोई प्रेम नहीं है, वे भगवान को भजने वाले बने ही नहीं, उन्होंने एक विद्या सीख ली है, दवाई इसमें काम आएगी, ये इसमें काम आएगी, ये इसमें काम आएगी, तो जो उनका अपना वर्चस्व था, जो उस दवाई में लगने वाली भगवान के नाम की औषधि थी, वो खत्म हो गई, वो आयुर्वेद शास्त्र तकरीबन आधा खत्म हो गया, जो उसमें प्रमुख चीज थी, जैसे हमारे बीज मंत्रों में प्रमुख चीज ओम है, क्या है, और आयुर्वेद में प्रमुख चीज क्या थी, मंत्र चिकित्सा है ना, कुपित वायु का इलाज,
और वो खत्म हो गई। मेरे प्यारो, हमारा देश इस तरह खत्म हो गया, हमारे सनातन की धारा इस तरह खत्म हो गई। आयुर्वेद का मतलब यही है कि ऐसा वेद जो आपकी आयु को दीर्घ करे, आपकी आयु को बढ़ा दे, है ना। अब वो किस तरह से संभव है, पूरे वेद किस पे आधारित है? पूरे वेदों में यज्ञ का वर्णन, अग्नि देवता का वर्णन आया है सारे वेदों में, है ना। आपने पढ़े अपने वेद, किस किस ने पढ़े? उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, बड़े बड़े रोग उससे गायब हो जाएंगे। अभी क्या हो रहा है आपको? ठीक रहें, स्वस्थ रहें, शनिदेव महाराज करुणा करें आप पर, शनिधाम की शरण में लें, आप शनिदेव की बेटी बन कहलाएं, ठीक है। और चिकित्सा जगत में आप अनुपम उदाहरण बने, लोगों की सेवा करें। जय शनिदेव, बोलो। हाँ जी।